आप कुली है और कुली का काम करते होंगे, सामान ढोते होंगे, तो आपके पीछे पीछे ये दोनों बॉडीगार्ड चलते होंगे। हाँ, दोनों साथ ही चलते हैं। दोनों साथ चलते हैं, तो अजूबा नहीं लगता है कि एक कुली के पीछे दो दो बॉडीगार्ड चल रहे हैं। आपको सरकार की तरफ से दो दो बॉडीगार्ड क्यों दिए गए हैं? इम्तियाज अंसारी को पकड़ा, जिसके पास मतलब 3 शक्तिशाली बम था। कौन था इम्तियाज अंसारी? आतंकवादी। आतंकवादी। अच्छा, उसी में मार कर फेंक दिया गया था। आपको मार कर फेंक दिया गया? हाँ। किसके द्वारा मारा गया? अब देखिए, आप पीछा से घायल हुए थे, इतना मतलब पीट के हमको होश आया 3 दिन के बाद। हाँ। आप मांग कर रहे हैं कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए, आपके बेटे को नौकरी दिया जाए और रहने के लिए एक अच्छा आवास दिया जाए। आवास दिया जंक्शन से, जिनका तस्वीर लगातार वायरल होते जा रहा है, पटना के धर्माकुली है, धर्माकुली के साथ दो दो बॉडी गार्ड चल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, दिखा दीजिए। एक बॉडी गार्ड वो है, वो जीआरपी के जवान है और एक बिहार पुलिस के जवान है, और इनके साथ क्या कुछ घटनाएं घट रही है, क्यों इनको बॉडीगार्ड मिला है, बात करते हैं। कैसे हैं आप? हमारा नाम धर्मराज यादव जी। धर्मा जी, एक बात बताइए, आम कुली को तो बॉडीगार्ड नहीं मिलते, आपको सरकार की तरफ से दो दो बॉडीगार्ड क्यों दिए गए हैं? देखिए, रूल का बात है, ऐसा बात नहीं है, पब्लिक भी सही काम करेगी। हाँ। तो उसको बॉडीगार्ड मिलेगा। हाँ। हम तो 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में भाजपा के हुंकार रैली थी। हाँ। गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हाँ। हुंकार रैली में उनका आगमन था। हाँ। उसी दिन पटना जंक्शन पर शौचालय में 9:30 के समय में बम ब्लास्ट हुआ। अच्छा। आप कहाँ थे उस वक्त? उस समय हम अपना कुली विश्राम गृह में थे। हाँ। जब शौचालय से देखे कि धुआं निकला है, तो हम अपना डांटा एक निकाल के, लाठी जो भी था। हाँ। दरवाजे पर शौचालय के गया। हाँ। वहाँ पर पहुंचा तो देखे कि मतलब दरवाजा खोला बंद किया, तो हमको शंका हो गया। हाँ। इसमें है। हाँ। हमारे साथ एक सिपाही भी था अशोक, आपको पता चल गया था कि बम है इसमें? जब बंद किया तो हमको शंका हो गया कि इसमें है। तो सिपाही भी हमारे साथ में एक बुला लिए थे, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था। हाँ। हम लोग जाके दोनों आदमी उसको दरवाजा खुलवाए, उसके पास 3 शक्तिशाली बम भी था। अच्छा, कितने लोग थे अंदर? हम इम्तियाज अंसारी को पकड़ा, जिसके पास मतलब 3 शक्तिशाली बम था। कौन था इम्तियाज अंसारी? आतंकवादी। आतंकवादी। अच्छा। उसके बाद हम लोग निकाले, पूछताछ किए कि जो घायल था उससे पूछे कि तुम्हारे साथ है कि मतलब जल्दी नहीं बताता है, सब हम मारे पीटे भी। बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को के साथ आप लोग मारपीट किया, आपको डर वर नहीं लगा? देखिए, डर का बात क्या है, जो करना है हम आज तक यहाँ जो कर दिए हैं, बहुत कुछ का क्या किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि मतलब गलत का। तो फिर हम 20 मिनट के बाद हमारे पास आरपीएफ का इंस्पेक्टर राजेश लाल जी आए, उनका हाथ में सौंप दिया, वही हमको एम्बुलेंस लाने के लिए विदा किए, तो घायल जो था उसको टेम्पो में लदवा के हॉस्पिटल में विदा कर दिया गया। अब उसको भी इम्तियाज प्रशासन लेके गया। उसके बाद अपना काम में बंद दास्ता लोग मतलब उसमें था, फिर दिल्ली से रात में डिस्पोजल हुआ 12 रात में। उसके बाद फिर हम थाना पर बुलाया गया था, तो उसमें FIR में रुक नहीं लिया, लेकिन सीजर लिस्ट का मेन गवाह था, मैं पकड़ा भी हूँ और गवाह भी हूँ, दोनों साथे हूँ, अकेला नहीं। गवाह भी आप ही हैं, पकड़े भी आप? सीजर लिस्ट का मेन गवाह हूँ, अब पकड़ा भी हूँ। उसी समय से हम थाना पर अपना सुरक्षा का गुहार लगाया, इसमें मतलब उसी दिन से सगर है अपना, हम 10 से आप गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगाते लगाते फिर हम 16 तकले भी हमारा घटना हो गया यहीं पर। अच्छा, क्या हुआ? 11 रात में। हाँ। हमारा घटना हुआ, इसी में मार के फेंक दिया गया था। आपको मार के फेंक दिया गया? हाँ। किसके द्वारा मारा गया? अब देखिए, पीछा से घायल हुए थे, इतना मतलब पीट के हमको होश आया 3 दिन के बाद। हाँ। 3 दिन तक बेहोश रहे आप? हाँ। कपार के अभी सुबह कराते ही रहते हैं। हाँ। क्या लगता है कौन मारा होगा आपको? अब देखिए, अब जो भी था अब तो मार के चला गया। लेकिन जो होना था हो गया। उसके बाद भी हम सुरक्षा का अपना मांग गुहार किए, नहीं मिला तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया,
तो हाई कोर्ट से मतलब हमको पहला सुरक्षा जीआरपी में मिला। अच्छा। तो जीआरपी रेल पर सारे तकले रहता है। हाँ। उसके बाद फिर हम प्रधानमंत्री गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा। हाँ। आया उसके बाद पास हुआ, बाकी नीचे के अधिकारी लोग हमको रोक दिया। रोक दिए। उसके बावजूद भी हम फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटाए, तो फिर 23 में हमको हाईकोर्ट से आदेश हुआ फरवरी में, अप्रैल में आके हमको सुरक्षा बोर्ड में पास हुआ, तब हमको यहाँ पर 10 साल बाद सुरक्षा मिला आपको। हाँ। तो सुरक्षा मिलने के बाद आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अरे महसूस क्या, अपना देखिए दिमाग अति से रहना है, सुरक्षा तो है ही है, लेकिन अपना भी जो निकट रखना तो जरूरी है, ध्यान रखना है। सुरक्षा कर्मी कब कब आपके साथ रहते हैं? मतलब सुबह से 10 बजे रात तक ले रहते हैं, रहने का नई सुविधा है, इसलिए हम डीएर और जीएम साहब से भी आवास का मांग किया हूं। हाँ। और एक लड़का के नौकरी का भी मांग किया हूं। हाँ। और प्रधानमंत्री से भी इस चीज को मांग किया हूं, और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी मांग किया हूं। आप मांग कर रहे हैं कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए। हाँ। आपके बेटे को नौकरी दिया जाए और रहने के लिए एक अच्छा आवास दिया जाए। आवास दिया जाए। हाँ। इसलिए कि मानते हैं सुरक्षा कर्मी हमारे चले जाते हैं, यदि हमारा कुछ हो जाता है, चाहे रात में हमारा बॉडीगार्ड अकेले जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार डीएर हमारे जीएम है। अच्छा अच्छा, अगर आप कुली हैं और कुली का काम करते होंगे, सामान ढोते होंगे, तो आपके पीछे पीछे ये दोनों बॉडीगार्ड चलते होंगे? हाँ, दोनों साथ में रहते हैं, दोनों साथ चलते हैं, तो अजूबा नहीं लगता है कि एक कुली के पीछे दो दो बॉडीगार्ड चल रहे हैं? अरे देखिए, भारत के नागरिक हैं, कोई विदेश के तो है नहीं। एक अच्छा काम किए हैं, हमारा वर्दीधारी भी किसी को वर्दी पहना है, सुरक्षा देता है, तो उसको है हथियार, हम लोग के पास हथियार नहीं, लेकिन एक जरूरी नहीं है कि एक हथियारे से आदमी कार्य कर सकता है। आदमी का लाठी भी ऐसा है कि हथियार उस समय काम नहीं करता है। आप लाठी से ही जो है आतंकवादियों को धूल चढ़ा दिए हैं। देखिए, यहाँ पे सांसद को, विधायक को, मंत्री, मुख्यमंत्री को आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडीगार्ड मिलते हैं, सुरक्षा कर्मी दिए जाते हैं, लेकिन पटना के एक ऐसे कुली हैं जिनका नाम धर्मा है, इन्हें बॉडीगार्ड दिए गए हैं, जबकि 10 साल तक ये गुहार लगाते रह गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, थाना गए, तब जाकर मिले हैं, और अभी भी कुछ मांगे इनकी बाकी है, जो ये चाह रहे हैं कि इनकी मांगे पूरी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।